What's up guys, कैसे हो सब? आज के ब्लॉग में दिखाना चाहूंगा मैं कुछ अलग, तो मिलते हैं गाइस ब्लॉग पे। अर्ली मॉर्निंग उठते ही सुबह का नाश्ता चटनी और ये अपा, ट्रस्ट मी गाइस बहुत टेस्टी हुआ था और मैं तो खाने लगा फिर मस्त में। What's up guys, क्या बोलती पब्लिक? सो फिलहाल मैं मस्त नावी के मैं निकल रहा हूँ अभी बाहर। आज का सफ़र नारावी का था मेरा और शाम को 4 बजे मेहमान आया था अपना प्रशांत भाई, तो उसका भी व्लॉग नहीं लिया भाई को मैंने। दाएं हटा तुझा हटा तुझा भाई को मेरे को व्लॉग में लेना था, तो फाइनली का भाई का एक पहला बाइट देखो। और भाई सोच रहा था वीडियो निकाल रहा है कि नहीं, और मैंने सच में निकाला था उसका वीडियो। सो फाइनली गाइस, अद्यंत और अद्विक के लिए मैंने चॉकलेट लाया था। अद्यंत का बर्थडे था, सो आई गिफ्टेड हिम चॉकलेट एंड सम आइसक्रीम्स वी बॉट फॉर हिम। गाइस मैं अकेला नहीं जाना चाहता था, तो फाइनली तरुण को ले लिया मेरे साथ। देन आफ्टर यहाँ पर बच्चे लोग चॉकलेट्स खा रहे थे, और ये है अमित का लड़का अद्विक, और ये आशु मामा का ऑरेंज कलर में आद्यांत। ये आशु मामा के फ्रेंड्स लोग हैं जो डेकोरेशन सब किए बलून्स का, इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। है ये अमित भाई, हमारा रैंचो भाई, और क्वाइट इम्प्रेसिव था डेकोरेशन। इट वाज लुकिंग वेरी सॉर्टेड, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही अच्छा था डेकोरेशन। सो गाइस फाइनली आचु मामा की सास ममता दोड्डा, देखो कांग्रेस का हाथ दिखाते हुए। सो फाइनली डेकोरेशन सब कुछ हो गया था, एक हैप्पी बर्थडे का टैग लगना था बस, और वो भी हो गया था। हमारा संतोष भाई द फोटोग्राफर ऑफ नारावी इवनली डेकोरेटेड इट, बहुत सॉर्टेड था, और फ्रेंड्स लोग ने भी हेल्प किया। सो फाइनली मैं किचन के सेक्शन में गया, तो अमित की बीवी सुषमा का फिश फ्राई कर रही थी। ये बंगुड़े फिश है, बहुत टेस्टी था और बहुत सॉर्टेड था। सो ये देखो तल रहा है फिश फ्राई, और इसी को भी मैंने व्लॉग में ले लिया। हमारा चिकना अमित भाई और ये आचु मामा के फ्रेंड्स थे जो फुग्गा अभी भी फुला रहे थे, और ये बर्थडे केक कट करने के लिए सेटअप लगा रहे थे, और यहाँ अपना दोस्त तरुण भी इन लोग की मदद करते हुए, और ये है अपना अमित का मामा द गाय इन वाइट हाफ शर्ट। देन आफ्टर केक का सेटअप लग रहा था और हम यहाँ से वीडियो शूट्स कर रहे थे। हमारा अमित का लड़का अद्विक फुल रेडी था गुंडू भाई, और ये अमित का मामा है फ़ोन में बात करते हुए, और यहाँ पर है बर्थडे बॉय अद्यान द बर्थडे बॉय। हियर कम्स आदित्य। सो फाइनली ये मेरा अटायर था जो मैं पहना था, अटायर मतलब वही शर्ट और नॉर्मल आया था बर्थडे पार्टी की चीज से। सो केक आ गया था और ओपनिंग हो रहा था आचू मामा के फ्रेंड्स लोग से, और फाइनली केक ओपन हो गया था, और ये फोर्थ बर्थडे था अद्यान का। ये है अपना अशोक कन्या। सो दोनों छोटे भाई चंगू और मंगू दोनों बैठे थे, और यहाँ चालू हो रहा था केक कट करने का प्रोसेशन, और हमारा अद्यंत भाई द डॉन किसी का सुनता नहीं आ गया, वापस बैठ गया कुर्सी में, और वहाँ से बैठ के देखेगा केक कैसे कट करेगा करके। सो फाइनली सब तैयारी हो गया था, और आशीष और लावण्या का आ गए थे। और यहाँ से आशीष भाई अपने मैंगलोरेंस में बत्ती लगाना मतलब ज़रूरी है, ऐसा दीप जैसा। सो यहाँ से आशीष भाई जलाते हुए दीप को, सो कोई भी प्रोसेशन रहेगा तो दीप लगाना ज़रूरी है।
सो फाइनली गाइस के कटिंग प्रोसेशन चालू हो गया था और फायरिंग स्पार्कल सब स्टार्ट हो गए थे और हियर कम्स द आद्यांश बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. May God bless. Happy birthday. Happy birthday. ಒಂದು ಜನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಬೈದಿನ ಅತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಕೋರ್ ತುವರೆ ಬೈದಿ ಬೋಲ್ಡ್ ನೋಟ್ ಹಾಯ್ ವಿಕ್ಕಿ ದನಿನ ದನಿನ ಫೋನ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದನಿನ ಫೋನ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ सो हियर कम्स अमित, अमित की बीवी सुषमा का, अद्विक, आचू बाबा, अध्यांत और लावण्य का. और इसी तरह अध्यंत को बैक टू बैक गिफ्ट्स मिल रहे थे. और ये सो फाइनली आ चुका. सो गाइस पर्पल कलर के टी शर्ट पे था अमित का साला और हियर कम्स मी भाई की एंट्री बोले तो जबरदस्त. और मैं और तरुण हम एक साथ फोटो निकालने के लिए खड़े हुए फुल पोज देते हुए और बर्थडे बॉय तो किधर और ही देख रहा था. थोड़ा शॉर्ट में भाई लोग का डांस दिखाना चाहता हूँ. ये आशी शेडोले के ग्रुप के फ्रेंड्स लोग का डांस था. इसी के साथ मस्त रात का खाना जो बना था चिकन का सार, चिकन सुक्का, ये मैंगलोरन ट्रेडिशन रोटी और कबाब, बहुत सारे टेस्टी टेस्टी खाना. तो खाना बहुत एक नंबर बना था, चिकन सुक्का, कबाब, फिश, बोले तो मज़ा आ गया. और ये आशीष आंटी में फ्रेंड्स लोग की, आशीष भाई की, ये अमित भाई हमारा मस्त कोरी रोटी खा रहा है, कोरी करी विद रोटी. और मेरा भी रोटी पड़ा था, मैं भी दबा के मस्त खाया खाना. साथ उसी के साथ अर्ली मॉर्निंग हम निकले थोड़ा हैंगओवर के लिए जूस वूस पीने के लिए. थोड़ा अपना नारावी का नज़ारा देख, सुबह की पहली किरण और ये अपना ब्रिज है जो पास आउट होता है नारावी बस स्टैंड की तरफ के लिए. सो गाइस कल ये व्लॉग डाला जाएगा चंगू एंड मंगू अध्ययन एंड अद्विक का. सो मिलते हैं गाइस, बाय बाय.